आई होप सब अच्छे होंगे और आप सब अच्छे ही रहना, लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ इस वक्त। मेरे हाथ में बंधा है प्लास्टर पिछले 3 दिनों से और मैं वीडियोस नहीं बना पाई हूँ। तो मैं ना रास्ता क्रॉस कर रही थी, मैं जा रही थी, एक मिनट, कुछ भी काम नहीं करने हो रहा है। तो मैं जा रही थी कल्याण की तरफ, वहाँ पर बीच में पड़ता है श्रीराम टॉकीज पे मैं रास्ता क्रॉस कर रही थी। तो क्या हुआ, पीछे से बाइक वाला, मतलब एक बाइक वाला था, वो भाग रहा था ट्रैफिक हवलदार से बच के श्रीराम टॉकीज पर। तो उसने क्या किया, पीछे से भागने के चक्कर में मैं रास्ता वहाँ से क्रॉस कर रही थी, आके हाथ में हैंडल मारा मेरे। तो उस टाइम तो बहुत झगड़ा हुआ हमारा, उस टाइम में मुझे मालूम नहीं पड़ा कि मुझे इतना लगा है। और मतलब मैंने इस हाथ से काफ़ी काम भी किया और मुझे पेन हो रहा था, लेकिन मैं दवाई खा के चल रही थी, ऐसी पेन किलर खाई थी मैंने। जब मैंने प्लास्टर कराया तो डॉक्टर बोले कि क्रैक है और प्लास्टर करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने जाके प्लास्टर बंधवा लिया है, पिछले 3 दिनों से मेरे हाथ में प्लास्टर है। और प्लीज़ आप लोग रास्ता देख कर क्रॉस करें, और इतने इतने गंदे लोग होते हैं ना कुछ लोग, मैं क्या बताऊँ। तो हमारा बहुत झगड़ा भी हुआ, अभी जाने वाला इंसान आजू बाजू और सामने देख के चलेगा, पीछे कौन देख के चलता है। बट वहाँ पर हवलदार ने उसको आके पकड़ा तुरंत का, मेरे हाथ पे लगा था, मैंने बताया उनको, मैंने भी उसको पकड़ा। तो फिर बाद में मैं निकल गई क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा था, मुझे पता नहीं था इतना कुछ हो जाएगा। तो 3 दिन हो गए मेरे इस हाथ को, घर में सभी लोग काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ मुझे छोड़ के, मतलब उल्टे हाथ से जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। तो मुझे ना मेड बहुत अच्छी मिली है, बेचारी सारा काम कर रही है, अभी मुझे हेल्प भी कर रही है। और मॉर्निंग में जल्दी उठ के हस्बैंड और मेरे बच्चे सभी काम ख़त्म कर लेते हैं और अपने अपने क्लासेस चले जाते हैं, बट जितना हो सक रहा है उतना मैं कर रही हूँ। बस ऐसे ही चल रहा है। अभी डॉक्टर ने बोला है 21 दिन प्लास्टर रहेगा, 21 दिन। मुझे नहीं लग रहा मैं 21 दिन इसको सह पाऊँगी क्योंकि मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है। डॉक्टर ने बोला है दवाई से 6 महीना लगेगा ठीक होने में, बट मैं सोच रही हूँ मतलब 21 दिन तो नहीं, थोड़े 10-15 दिन हो जाए तो फिर से एक्सरे करके देखेंगे क्या रिपोर्ट आएगी, उस हिसाब से मैं प्लास्टर खुला दूँगी क्योंकि मेरे सारे काम रुक गए हैं। बाल नहीं बना पा रही हूँ, नहा नहीं पा रही हूँ, सब पूर्वी कर रही है मेरी। और इस वक्त अभी मैं किचन में हूँ, उल्टे हाथ से मैंने दूध गर्म करने रखा है। तो बस ऐसे ही कुछ चल रहा है, मैंने वीडियो नहीं बनाया था और मैं इसी हाथ से वीडियो बनाती थी ना, अभी मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। मुझे यहाँ पर लगा है, यहाँ पर एल्बो में लगा है मुझे बाइक का हैंडल। तो उस वक्त तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला कि इतना मुझे हो जाएगा। बाद में डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद में मुझे यकीन नहीं आया क्योंकि मैं इस हाथ से ही चल रही थी, मैं थोड़े दिन से काम हो रहा था मेरा, मतलब पेन होता था, मैं पेन किलर खा लेती थी। तो बस अब तो प्लास्टर बन गया है, अभी आई होप जल्दी ठीक हो जाए मेरा हाथ। प्रॉब्लम तो आ रही है बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट ठीक है, अच्छे दिन भी आएंगे यही सोच के चल रही हूँ। बट जिस भी हाल में हूँ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ क्योंकि फैमिली साथ में है, सब कर रहे हैं। फोन नहीं पकड़ पा रही हूँ, कुछ काम नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर दूध गर्म करने रखा है, यहाँ पर बन रही है साहिल के लिए मैगी। मतलब जिस तरह से मैं सब नीट एंड क्लीन रखती हूँ ना, वैसा नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। कर रहे हैं वैसे ये लोग, देखो थोड़ा बहुत पसारा आपको दिखेगा, मैं इतना भी नहीं रहने देती हूँ, मैं पूरा क्लीन रखती हूँ। तो मंदिर मेरा बहुत सुंदर लग रहा है, मैं पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ मालूम है, मैंने सिर्फ जो छोटा वाला यहाँ पर बल्ब है डिस्को बल्ब, उसकी लाइट में लगा दे रही हूँ सुबह शाम। अगर इन लोगों ध्यान मेरा आता है तो पूजा कर देते हैं। ये मेरा मस्त मौला बेटा,
जितना हो सकेगा करता है, मतलब इतना तो आता नहीं है, बोलूँगी तो बोलने से एक्चुअली करते रहते हैं लोग। तो बस यही मुझे बताना था। मैं सोच रही थी मतलब कुछ दिन मैं वीडियोज़ ही ना बनाऊँ, मैं बनाऊँ ही नहीं वीडियो सोच रही थी, लेकिन मुझे खुद को हैबिट हो गई है एक्चुअली व्लॉग बनाने की। और आप सब भी सोचेंगे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैंने व्लॉग अभी ये डाल दिया है। तो इस तरह कुछ है मेरी हालत। मेरे हाथ में प्लास्टर है और ये मेरा राइट हैंड है, तो ये मेरा सीधा हाथ है, जिससे कि 90% काम सीधे हाथ से ही हम करते हैं, खाना नहाना सब कुछ, क्या बताऊँ। तो चलिए मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, मैं यही प्रार्थना करती हूँ, आप लोग भी करना। बाबू क्या हुआ मम्मा को? कुछ नहीं, होता है होता है, इसको मजा आ रही है सबके क्योंकि साथ मैं इसको होता ना है। टपली देती थी ना सीधे हाथ से, हमेशा टपली नहीं दे पा रहे हो, इधर पीछे टपली मारती थी। पीछे मेरे ना दो लोटे रखे हैं जो कि मुझे पीतांबरी से घसने हैं, और वो पूजा के लोटे हैं, इसलिए मैंने मेड को नहीं दिए घसने, तो मैं तो पूजा ही नहीं कर पा रही हूँ ना कुछ घस पा रही हूँ, क्योंकि सीधा ही हाथ है। तो रुको मिलती हूँ थोड़ी देर में, मोबाइल रख के बंद करना पड़ेगा, 1 मिनट बाहर जाती हूँ। तो गाइज ये है मेरा, ये था मेरा डिनर जो कि पूर्वी ने बना के दिया है मुझे, एग राइस, वेरी टेस्टी। मैं अभी ये खाने जा रही हूँ क्योंकि मैं चम्मच से खा सकती हूँ, हाथ से खिलाना रहेगा तो वो आएगी मुझे खिलाने, और वो और भी कुछ बना रही है मेरे लिए। तो गाइस खाना वगैरह मेरा सब हो चुका है आज, मतलब ना तो कुछ काम हो रहा है ना ब्लॉग कर पा रही हूँ, बस यही था आज का छोटा सा वीडियो, सिर्फ मुझे बताना था आप लोगों को। तो ठीक है मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ यहाँ पे, खाना हो चुका है, पूर्वी ने मुझे खाना खिला दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, गुड नाइट। तो गाइज मेरी दवाई ना थोड़ी हाई पावर की है, 650 mg तक है, और 5 टैबलेट है, जिससे कहा कि मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है। और वैसे भी मुझे इन दिनों ना आराम करना था, मैं कैंप के बाद बहुत थक चुकी हूँ। तो चलो मैं अभी सो जाती हूँ फाइनली। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।